पुलवामा आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रदेश भर में शहीदों को नमन किया गया। शिमला में विद्यार्थी परिषद ने 150 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को याद किया। धर्मशाला में बजरंग दल ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा हमले में शहीद हुए कांगड़ा के जवान तिलक राज के गाँव में युवा क्लब ने 30 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालकर शहीद तिलक राज को श्रद्धांजलि दी। कांगड़ा के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यह मीडिया के सवाल पर प्रतिक्रिया देते मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपना पक्ष रख चुका है। मंत्रिमंडल का विस्तार करना अब केंद्र के पाले में है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र से पहले नए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार की भी उम्मीद है। वहीं उन्होंने बार बार कर्ज लेने पर कहा कि बीजेपी सरकार कंजूसी से कर्ज ले रही है। हमारी जगह अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इस समय कर्ज 60,000 करोड़ के ऊपर हो जाता। हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं के तंज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को डबल इंजन का विकास नजर नहीं आता। केंद्र ने हिमाचल को अन्य राज्यों के मुकाबले 14वें और 15वें वित्त आयोग में अपार सहायता की है। इस बार 11,412 करोड़ का प्रावधान है तो आपदा के लिए 40% की बढ़ोतरी की गई है जो बाकी राज्यों से ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस को ये सब नजर नहीं आ रहा। इससे पहले अनुराग ने समीरपुर में लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निदान किया। रसोई गैस की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में महिला कांग्रेस ने शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली की हार का बदला आम लोगों पर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके ले रही है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। महिला कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द कीमतों को कम नहीं किया गया तो जनता के साथ मिलकर प्रदेश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जो 15 फरवरी तक का टारगेट दिया था हिमाचल ने उसे पूरा कर लिया है। जल जीवन मिशन की प्रगति में हिमाचल देश भर में अव्वल रहा है। इस मिशन के तहत 6 लाख घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रदेश में करीब 14.5 लाख घर हैं और सभी घर चरणबद्ध तरीके से नल से जोड़े जाएंगे। इसके अलावा विभाग में 450 करोड़ रुपए का जो कार्य प्रदेश में चल रहा है 31 मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरक्षण को लेकर डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने केंद्र की मोदी सरकार पर एससी एसटी के लोगों को नौकरी में प्रमोशन के द्वारा मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर इस वर्ग के अधिकार को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है, जिसका कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिसे काबू करने में सरकार फेल है। संविधान को तोड़कर बीजेपी देश के लोगों पर आरएसएस का एजेंडा थोपने का काम कर रही है। शिमला में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। यह एक मुस्लिम लड़के शामी ने हिंदू धर्म की लड़की को नौकरी और शादी का झांसा देकर अपने साथ दिल्ली लेकर गया और दिल्ली में जबरन शादी की। लड़की बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लड़के के चंगुल से भागकर शिमला अपने घर पहुंची है और डीसी ऑफिस में जाकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वही मामला सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद लड़की के साथ खड़ा नजर आ रहा है और युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। एचआरटीसी के ड्राइवर की चलती बस में अचानक सांसें थम गई। बस धर्मशाला से कांगड़ा टांडा की तरफ जा रही थी। पुराना मटौर के पास बस सड़क पर अचानक रुक गई और बस चला रहा ड्राइवर सीट से बेसुध होकर दूसरी तरफ लुढ़क गया। फोर्टिस कांगड़ा के स्टाफ नर्स काजल भी उसी बस में सवार थी। काजल ने अन्य यात्रियों के सहयोग से ड्राइवर को खाली जगह पर लिटाया। काजल ने CPR यानी हार्ट को जोर जोर से कंप्रेस करना शुरू किया। ये प्रक्रिया करीब 15 मिनट तक जारी रखी। आखिर 15 मिनट के बाद काजल की मेहनत रंग लाई और बस ड्राइवर के दिल की धड़कन ने हरकत शुरू की। कुल्लू पुलिस ने चिट्टा तस्करी के मैन सप्लायर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय डेविड के तौर पर हुई है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। ये नाइजीरियन पिछले कई सालों से विदेशी नागरिकों के साथ मिलकर दिल्ली से कुल्लू मनाली में नशे की सप्लाई करने का धंधा कर रहा था। SP कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कुल्लू पुलिस ने जितने भी चिट्टे के मामले पकड़े थे उनसे पूछताछ के दौरान डेविड का नाम सामने आ रहा था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और पुलिस को कामयाबी मिली। चंबा की चुराहा घाटी में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर चांजू नाले में गिर गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग नाले में बह गए, जिनका कोई सुराग नहीं लग पाया है, जबकि एक युवक घायल है। हादसा नखरोड के समीप चांजू नाला में हुआ है। तीनों बाइक सवार चांजू से तीसा के लिए जा रहे थे। पुलिस की टीम और ग्रामीणों ने नाले में बहे दोनों युवकों को तलाशने के लिए अभियान चलाया हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां सड़क की हालत काफी खराब है और सड़क किनारे कोई क्रैश बैरियर भी नहीं लगा था।